स्वतंत्र देव जी, विनय कटियार जी, दो बड़ा सवाल मैं जानता हूँ, वक्त ज़रा कम है मेरे पास और आप सबकी व्यस्तता भी होगी, लेकिन दो प्रमुख सवाल हैं। विनय कटियार जी और कई और नेता मानते हैं कि ताजमहल तेजो महल है, मंदिर था जहाँ आज ताजमहल है। इस तरह की बातें लगातार होती रही हैं। इस तरह के बयान सिर्फ उनके अकेले के नहीं हैं, चाहे आप उनकी बात करें, साक्षी महाराज जी की बात करें, ऐसे कई आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो ये बयान देते रहते हैं। इन बयानों में कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है और क्या यह वास्तविकता में आप सबों का मत है? देखिए, आपके सामने स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी का मिशन, भारतीय जनता पार्टी के कार्य और नेताओं का चलिए फिर एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इनका क्या सपना है, इनका क्या मिशन है? राजनीति स्पष्ट है हम लोगों का, गरीबों का कल्याण करना है, गांव में सड़क देना है, पक्की रोड देना है, भरपेट भोजन देना है, रहने के लिए छत देना है, अच्छा विद्यालय देना है, मतलब कुल मिलाकर स्पष्ट। और दूसरा सपना पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो। ये सब राय जो होता है, मान लो व्यक्तिगत कोई नेता बोलता है तो उसका व्यक्तिगत अपना राय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्लियर फंडा है कि गरीबों का कल्याण करना है, पूरे गांव में पक्की सड़कें, गरीबों को छत, भरपेट भोजन, 24 घंटा लाइट। तो ये जो नेता जो बयान दे रहे हैं स्वतंत्र जी, ये बयान किस आधार पर देते हैं? अगर आप लोग की राय एक नहीं है तो फिर अचानक से ये बयान क्यों उतर आते हैं? अपना स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी एक तरह का स्वतंत्र, कोई व्यक्तिगत अपना राय दे सकता है। आप नहीं मानते कि ताजमहल तेजो महल है? नहीं, मैं आप नहीं मानते कि वहां इस तरह की कोई बात है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है जो जी एकात्मान दर्शन, या देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना है, जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं या संघ से यहाँ आए हैं, केवल दो ही सपना है, तीसरा कोई सपना नहीं है, गरीबों का कल्याण करना और पूरी दुनिया हमारे विचारधारा से चले, यानी दुनिया के अंदर भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो और पूरी दुनिया सूर्य नमस्कार करे और पूरी दुनिया मेरे को स्वीकार करे और हिंदुस्तान में आवे तो गंगा आरती करे और अभिषेक करे भोलेनाथ का। और दूसरा सपना है गाँव गरीब किसान का कल्याण करना। मिसेस बजाज हमारे पीछे एक सवाल पूछना चाहती हैं। मिसेस बजाज प्लीज। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है। छिड़काने की घटनाएं आज भी हो रही हैं और जो बेटियां रात को देरी से काम से वापस लौटती हैं, एक माँ होने के नाते मेरा कंसर्न तब तक रहता है जब तक वो घर नहीं आ जाए। तो सर कब तक हमको इस चीज़ से हम मुक्ति पाएंगे कि हाँ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? प्लीज़ बहन जी, मैं स्पष्ट कर दूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियाँ, हमारी माताएं बहनें एकदम सुरक्षित हैं। स्पेसिफिक रूप से कहीं आपको कोई समस्या मुझे अवश्य बताएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी घटना होगी सख्त सख्त कार्रवाई होगी और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में एकदम सक्षम है, कोई भी हम कोताही नहीं करेंगे ना कोई कंप्रोमाइज करेंगे। चलिए, सीधा आश्वासन आपको मिला है। एक आखिरी सवाल और फिर मैं आपसे शुरू करता हूँ और उसके बाद आप सबों की राय उस पर जानना चाहता हूँ। और ये सवाल है राम मंदिर से, जो कि वाकई में हम सबों की आस्था से भी जुड़ा है और आज एक बहुत बड़ा विवाद का विषय भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी नीति स्पष्ट कर चुका है और किसी मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने की गुंजाइश दिखती नहीं है। ऐसे में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बार बार बयानबाजी होती दिख रही है, आप उसे कितना सही मानते हो? और अंततः जिस तरह से रिजवी साहब और अन्य लोग सामने आज मैदान में हैं और कहते हैं कि भाई मस्जिद आप सरयू पार या शायद लखनऊ बना लें ज़्यादा बेहतर है, आपकी खुद की राय क्या है व्यक्तिगत तौर पर? और उसके बाद आप देखिए, पहली चीज तो ये मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है जी, और मुझे लगता है इस पर सभी चर्चाएं हो चुकी हैं, इस पर कोई हम लोगों को टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करें जी जो बातें आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की करी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें पक्ष नहीं है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं इस मंच से जी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले अपना लेखा जोखा दे कि उसने हमारे मुस्लिम समाज के लिए क्या उत्थान के काम किए हैं। निजी स्वार्थों को छोड़कर उन्होंने सिर्फ शोषण किया है इस संस्था को बनाकर, ना ये संस्था शरीयत को कहीं कोई फॉलो करती है, ना शरीयत से इसका कोई लेना देना है और ना ही ये हमारे देश के संविधान से ऊपर है। लिहाजा ये एक ऐसी संस्था है कि जैसे लाखों संस्थाएं काम कर रही हैं, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है। अच्छा काम करेगी सराही जाएगी, बुरा काम करेगी तो हमारे जैसे लोग खड़े होकर हम अपोज करेंगे। हमने पहले भी कहा और अब तो उनके यहाँ अंदर ही
दो धड़े हो गए हैं, तो उसमें भी तो आप ही का कहा जाता हाथ है। मैं तो कह रहा हूं वहां भी तोड़फोड़ मचा दी। जो अजय जी अच्छी बात करेंगे ना, अच्छी बात करने वाले। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा जी कि यहां ये रास्ते से भटक गई है, तो जो भटक गई संस्था है तो जनकल्याणी तो नहीं हो सकती ना। वो तो जनकल्याणी योजनाएं आपके पास है ही नहीं। आपने अपने ही समाज के लिए क्या किया? आपके पास कोई ऐसी चीज हो तो आप जनता के सामने लाइए। तो जब आपके आपने कुछ किया ही नहीं, अब आपकी जाहिर सी बात है कि हमने आपको एक्सपोज जरूर कर दिया है, आप जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। लिहाजा अब उनकी अपनी दुकानें बंद हो रही हैं, तो अब हैदराबाद पहुंच गई है, देखिए वहां क्या होता है। ब्रजेश जी, राम मंदिर को लेकर चाहे आप श्री श्री रविशंकर की बात कर लें या अन्य तमाम बात कर लें, इसमें कोई शक नहीं है कि आज ये मामला विचाराधीन है कोर्ट के सामने। शायद आप बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना पसंद ना करें, लेकिन इसे एक भावनात्मक चुनावी मुद्दे के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि इसकी आड़ में संघ परिवार से जुड़े तमाम संगठन अपनी न सिर्फ राजनीति आगे बढ़ाते हैं बल्कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। आखिरकार वोट तो वही इंतजाम करते हैं आपके। अजय जी, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे आस्था का प्रतीक हैं। हम पूरी दुनिया के जो अनुयायी हैं उनको सुबह शाम दिन रात प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद से दुनिया का संचालन होता है। उनका भव्य राम मंदिर का निर्माण हो ये हम सबकी इच्छा है, लेकिन भारत देश कानून के तहत चलता है। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा हम सब उसका अनुपालन करेंगे, और एक दिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ भगवान मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर का निर्माण जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। स्वतंत्र देव जी, आखिरी सवाल आपसे। श्री श्री रविशंकर ने अपनी एक टिप्पणी दी जिसकी वजह से बहुत सुर्खियों में रहे कि जो फैसला आएगा कोर्ट का उसे लेकर सीरिया जैसी स्थिति हिंदुस्तान में हो जाएगी। हिंदू समाज को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं और अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है उसकी भी एक आपके पास रूपरेखा है, क्या सीरिया बन जाएंगे हम? देखिए, देश की एकता अखंडता के लिए पूरा हिंदुस्तान का नौजवान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपस में कभी अब कुछ नहीं होने वाला है। मतलब एक सपना है सरदार पटेल, बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने, और जिस रास्ते को आगे लेकर भाई नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, यानी सबका साथ सबका विकास, आने वाला समय में खुशहाल देश और अच्छा बनेगा। कोई मतलब एक तरह का इस एकता को कोई अब तोड़ नहीं पाएगा, भले वो लोग कुछ करते रहे। मतलब एक तरह का जो भी निर्णय होगा कोर्ट वो करेगा, लेकिन कभी भी अब आपस में संघर्ष नहीं होने वाला, यानी किसी दंगे की बात नहीं आएगी। नहीं, वो अब उत्तर प्रदेश में, देश में कोई दंगा नहीं होने वाला है। लोग सोचते हैं कि जीना चाहिए और एक ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और आगे बढ़कर ही काम करें। पहले मैं उदाहरण दिया हूँ, कोई भी गाँव में चर्सी को यदि मदद करेगा तो गाँव बर्बाद होगा। जिस परिवार के अंदर एक चर्सी पैदा हो जाए तो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो जाती है, और झोपड़पट्टी में एक अब्दुल कलाम पैदा हो जाए तो देश का राष्ट्रपति बन जाता है। एक चाय बेचने वाले घर में भाई नरेंद्र मोदी पैदा हो जाए तो देश का प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए कभी कोई पसंद नहीं करेगा गुंडे और माफियाओं और चर्सियों को। जी अजय, मैं बस ये कह आपका, चूंकि प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा है, देखिए देश 70 सालों के बाद विकास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ गया है। जैसा कि स्वतंत्र जी ने बात कही, बिल्कुल सही है कि हर हाथ में कहीं ना कहीं रोजगार है, हर एक को एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है, और सब दिख रहा है सबको। तो इसलिए सबका साथ और सबका विकास अब चलता रहेगा देश में, अब कुछ रुकने वाला नहीं है और इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। तमाम जो विरोधी इस तरह का अगर आज वातावरण बना रहे हैं तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि देश में विकास हो रहा है। अगर विकास ना हो रहा होता तो उनके पास मुद्दा होता, तो मुद्दा विहीन है वो, और मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। हम फिर से 19 में सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, एक साल बहुत कम समय होता है किसी सरकार के परफॉर्मेंस को आंकने के लिए, लेकिन जो अभी है कम से कम जनता उससे बहुत नाराज हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। आने वाले 4 साल आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। बहुत धन्यवाद।